केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट में कुछ देर में फिर से सुनवाई होगी। केजरीवाल ने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। सीएम केजरीवाल 23 मार्च को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने तत्काल सुनवाई की अपील की थी, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। अगले ही दिन 22 मार्च को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट में अब से कुछ देर में एक बार फिर से सुनवाई होगी। अभी सुनवाई टली है। हमने देखा कि इससे पहले केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए और यहां पर केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है। ईडी की रिमांड को चुनौती दी है। वो 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर हैं। और हमने देखा कि लगातार केजरीवाल के समर्थक आम आदमी पार्टी ये कहती आई है कि एक नेता को पूरा अधिकार है कि वो चुनाव में हिस्सा ले। हमारे साथ विक्रांत इस वक्त लाइव मौजूद है। विक्रांत, क्या हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी, कुछ देर बाद फिर से सुनवाई शुरू होगी, अभी तक क्या हुआ सुनवाई के समय? देखिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका उनकी गिरफ्तारी के ठीक बाद दाखिल की गई थी। इस पर अर्जेंट हियरिंग की मांग की गई थी। हालांकि अर्जेंट हियरिंग नहीं हुई थी। आज होली की छुट्टियों के बाद जब कोर्ट खुला तो इस मामले की सुनवाई हुई। सुबह 10:30 बजे जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने कहा कि इस मामले को तुरंत सुना जाना चाहिए और उन्होंने याचिका के साथ साथ जो मुख्य याचिका है उसके साथ साथ अंतरिम राहत की भी मांग की है, जिसमें रिमांड को चैलेंज किया गया है। और उन्होंने कहा कि रिमांड की अवधि कल खत्म होने जा रही है, इसलिए वो चाहते हैं कि आज ही इस मामले को सुना जाए। वहीं ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। उन्होंने कहा कि हम मुख्य याचिका में जवाब दाखिल करने के लिए कम से कम 3 हफ्ते का समय चाहते हैं, क्योंकि ये लंबी याचिका है और उसके साथ साथ जो इंटरिम प्रेयर है उसके लिए हमें एक रीजनेबल समय दिया जाए, लेकिन कुछ समय दिया जाए। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका पूरा विरोध किया। उन्होंने कहा कि रिमांड की अवधि कल ही खत्म हो जाएगी, लिहाजा इस मामले को आज ही सुना जाना चाहिए। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि एक बार पहले सप्लीमेंट्री लिस्ट के मामलों को सुन लेते हैं और उसके बाद इस मामले को सुना जाएगा। तो कोर्ट ने इस मामले में पास ओवर दे दिया है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि दोपहर के करीब एक बार फिर यह मामला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट में सुना जाएगा। जब सप्लीमेंट्री लिस्ट के सारे मैटर खत्म हो जाएंगे उसके बाद इस मामले को दोबारा सुना जाएगा। बिल्कुल। तो विक्रांत, हमें दोपहर तक का इंतजार करना होगा, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती आई है, खासकर हम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि एक नेता को अधिकार है चुनाव में हिस्सा लेने का। और अगर ईडी ये कह रही है कि उनके पास पूरे सबूत हैं तो फिर गिरफ्तार क्यों किया गया है, पूछताछ क्यों करना चाहती है ईडी, इस पर क्या दलीलें यहाँ पर ईडी के द्वारा रखी गई हैं? देखिए, रिमांड को उन्होंने चैलेंज किया। बेसिकली उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर कानूनी बताया और ये कहा है कि जो नोटिस उन्हें भेजे गए थे उसमें किसी में भी उनका नाम बतौर एक्यूज नहीं रखा गया था। गिरफ्तारी से पहले कभी उनका नाम एक्यूज के तौर पर नहीं लिया गया था। अचानक से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उनको रिमांड पर भी ले लिया गया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को भी चैलेंज किया और रिमांड को भी चैलेंज किया। इस समय न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को मैं एक और जानकारी दूं कि आज दोपहर में 12:30 बजे आपके लीगल सेल ने दिल्ली की तमाम निचली अदालतों में प्रोटेस्ट की भी कॉल की है। वो मामला भी आज हाई कोर्ट में पहुंचा था, चीफ जस्टिस की कोर्ट में, एक्टिंग चीफ जस्टिस की कोर्ट में। और एक्टिंग चीफ जस्टिस ने उस मामले में ये कहा है कि अगर अदालत में आने जाने में किसी को कोई दिक्कत हुई तो वो इस मामले को देखेंगे, इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर किसी भी व्यक्ति को दिक्कत हुई। क्योंकि याचिकाकर्ता का ये कहना था कि कोर्ट परिसर में किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता और आम आदमी पार्टी के लीगल सेल ने आज दोपहर 12:30 बजे सभी निचली अदालतों में प्रोटेस्ट की कॉल की हुई है, तो उसे रोका जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में दिक्कत हुई तो हम इस मामले को देखेंगे। तो आज ये भी एक मामला कोर्ट के सामने आया था। अरविंद केजरीवाल की याचिका का जो मुद्दा है वो अब से कुछ देर बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि लंच के करीब या लंच से पहले दोबारा से आ सकता है, क्योंकि अभी कोर्ट सप्लीमेंट्री मैटर सुन रही है और उसके बाद कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका को सुना जाएगा। तो बड़ी जानकारी विक्रांत देते हुए। विक्रांत, आगे भी आपसे संपर्क साधेंगे, फिलहाल शुक्रिया आपका। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे थे, अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, जहां पर दोपहर के बाद फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी। अब बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में महागठबंधन में सीटों के नाम पर अंतिम फैसला आज की बैठक में हो सकता है। लालू कटिहार सीट कांग्रेस को देने को तैयार, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। इसके अलावा कांग्रेस औरंगाबाद सीट निखिल कुमार के लिए और पूर्णिया सीट पप्पू यादव के लिए मांग रही है। इन सीटों पर अब तक तेजस्वी ने अपनी सहमति नहीं दी है। आज की बैठक में इन सीटों पर स्थिति साफ होगी। इसके अलावा कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा अपनी अभिनेत्री बेटी नेहा शर्मा के लिए भागलपुर सीट मांग रहे हैं, इस पर आरजेडी विचार कर सकती है। कांग्रेस बेगूसराय की सीट कन्हैया कुमार के लिए मांग रही है, लेकिन कन्हैया पिछली बार लेफ्ट से लड़े थे, इसीलिए लालू ने इस सीट को लेफ्ट को देने को मना
मन बना दिया है और वो अपने फैसले पर अड़े हैं। मीरा कुमार के लिए लालू सासाराम की आरक्षित सीट छोड़ने को तैयार है, लेकिन मीरा कुमार के बेटे के लिए काराकाट की सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। मीरा कुमार अपने बेटे के लिए काराकाट सीट चाहती है, लेकिन लालू इसके लिए तैयार नहीं है। अब देखिए, कई सीटें ऐसी हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है। हालांकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं सब ठीक है, लेफ्ट कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कैसे, जो पेच फंसा हुआ है उस पर स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है। आइए अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी सीटें हैं जिन पर आरजेडी कांग्रेस का पेच फंसा हुआ है और उनके बीच ठन गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे औरंगाबाद सीट की, जहां पर आरजेडी अभय कुशवाहा को उतारना चाहती है। अब ये देखिए कि आरजेडी अभय कुशवाहा को यहां पर उतारना चाहती है, लेकिन कांग्रेस निखिल कुमार के लिए ये सीट मांग रही है। अब दूसरी सीट आती है पूर्णिया के लिए, जहां पर बीमा भारती इसके लिए यहां पर पूर्णिया सीट पर मांग रही है, लेकिन यहां से आरजेडी बीमा भारती को उतारना चाहती है। बेगूसराय से कांग्रेस कन्हैया कुमार को उतारना चाहती है, लेकिन पिछली बार कन्हैया कुमार लेफ्ट से चुनाव लड़े थे, इसलिए लालू यादव यह सीट लेफ्ट को देना चाहते हैं। कटिहार सीट पर कांग्रेस तारिक अनवर को उतारना चाहती है, वहीं आरजेडी कटिहार सीट पर सीपीआईएम को देना चाहती है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है। चंद्रमोहन, हम सीटें एक एक करके बता रहे थे, इस पर पेच फंसा हुआ है। तेजस्वी कह रहे हैं मिलकर लड़ेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन स्थिति इन सीटों पर अभी साफ नहीं है। बिल्कुल, और यही सीटों को लेकर अब तक पेच फंसा हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि लालू यादव बिना उनसे पूछे हुए, बिना सीटों के बंटवारे का इस तरह से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कैसे कर सकते हैं। अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से लालू यादव ने उतार दिया है, उनको सिंबल दे दिया है, जबकि कांग्रेस निखिल कुमार को वहां से चुनाव लड़ाना चाहती थी। सीपीआई के खाते में चला गया है बेगूसराय, जहां से कांग्रेस अपना उम्मीदवार कन्हैया कुमार को बनाना चाहती थी। और उसी तरीके से पूर्णिया में पप्पू यादव अपने पार्टी का विलय इसलिए कर लिए थे क्योंकि वहां से कांग्रेस उनको अपना उम्मीदवार बनाना चाहती थी, लेकिन लालू यादव ने कल तक जो बीमा भारती जेडीयू में हुआ करती थी उनको अपने पार्टी में ले लिया है और उनको वहां से उम्मीदवार बनाने जा रही है। इसी इन्हीं सभी सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। कटिहार जो लालू यादव साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि लेफ्ट के खाते में जाएगा, जबकि कांग्रेस वहां से तारिक अनवर को अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है, तो इन्हीं सभी सीटों को लेकर लगातार खींचतान जारी है। और अब तक यह भी नहीं हो पाया है कि कौन कितने सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस साफ तौर पर यह कह रही है कि 9 सीटों से कम उनको मंजूर नहीं है, जबकि लालू यादव ये कह रहे हैं कि 6 सीट से ज्यादा वो नहीं दे सकते हैं। और जो मुख्य सीटें जिसको लेकर शुरू से पेच फंसा हुआ था, औरंगाबाद की बात करें, बेगूसराय की बात करें, पूर्णिया की बात करें, कटिहार की बात करें, या चंपारण की किसी एक सीट से कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारना चाहता है। तारीखों का ऐलान हो चुका है और इतनी देरी क्यों हो रही है? 4 सीटें हैं जिस पर अभी पेच फंसा हुआ है, अपने अपने यहाँ पर महत्वाकांक्षा है सभी दलों की, तो क्या कुछ और ऑप्शंस बचते हैं या फिर ये सुलझा लिया जाएगा, ऐसा माना जाए, इतनी देरी क्यों? दिल्ली की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि पटना में जब लालू यादव और तेजस्वी यादव पहुंचेंगे, जो दिल्ली में अब तक मौजूद हैं, और आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल के घर पर एक मीटिंग भी होनी है।